एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त पहुंच गई है और बाकियों को भेजने का काम तेज गति से चल रहा है। 11वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर, बिना EKYC वाले किसानों को लगा झटका, 11वीं किस्त के पैसे खातों में आना शुरू। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हैं किसान और कर रहे हैं 11वीं किस्त के पैसे का इंतजार, तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं किस्त को लेकर अभी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। किसान भाइयों, पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, इसे अपने अन्य किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तें दी जाती है। इसमें 6000 रुपए साल में 3 किस्तें के जरिए सभी किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अभी तक किसानों के खाते में 10वीं किस्त तक के पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अगले किस्त यानी कि 11वीं किस्त का पैसा बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको EKYC कंप्लीट कराना होगा। जिन किसान भाइयों का EKYC कंप्लीट नहीं है, वह अभी जाकर अपने पास के सर्विस सेंटर पर विजिट करें और वहां पर EKYC को कंप्लीट करा लें, अन्यथा आपके पैसे फंस सकते हैं। किसान भाइयों के भले के लिए EKYC की डेट बढ़ा दी गई है, ताकि किसान भाई इसे आसानी से कंप्लीट करवा सकें। और बात करें 11वीं किस्त का ऑफिशियल डेट की, तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने अभी ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कहा है कि इसी महीने आप सभी की 11वीं किस्त का पैसा आप सभी के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।